अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देखेंगे न्यू डिज़ाइन जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग है, तो आप पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारी यह डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हमने वीडियो में नंबर डाल रखा है, आप वहाँ उस नंबर पे व्हाट्सअप पर कांटेक्ट करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वीडियो सीखने के लिए सिर्फ अगर आपको सीखना है तभी कॉल करिए, ऐसे कॉल मत करिए, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए, हमने एक रोज़ फ्लावर बनाया है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको डार्क कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगी कि ये कैसे बना है। बहुत ही अच्छा सा फ्लावर है, रोज़ फ्लावर हमने बनाया है और आज ही आपको, आज मैं इसकी पेंटिंग बताऊँगी आपको कि कैसे बनेगी। और साथ में बहुत सी प्यारी सी लीफ का शेड भी है, तो आप लीफ भी देख सकते हैं, रोज़ फ्लावर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको पूरी ड्राइंग करके पहले दिखाते हैं, उसके बाद इसकी पेंटिंग भी बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए देखें, अगर आप बिगनर्स हैं तो पूरा देखें, नहीं तो फिर आपको ड्राइंग देखने की ज़रूरत नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक रोज़ पूरा हो चुका है, अब हम दूसरा रोज़ बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा रोज़ हो गया, यहाँ पर उसका मतलब हाफ रोज़ बनाएंगे, उसका कुछ हिस्सा रोज़ इस वाले रोज़ के बैक साइड रहेगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये हमारा छोटा सा जो है रोज़ फ्लावर भी रेडी हो गया। अब हम इसमें ज्वाइन करेंगे लीफ डिज़ाइन के हिसाब से, जैसे आपको डिज़ाइन बनानी है उसी तरह से आप लीफ वगैरह जो है इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक कली, यहाँ पे अब हम बनाएंगे एक लीफ फिर से, और यहाँ पे भी लीफ बनाएंगे। अब जहाँ पे हमें लीफ वगैरह जो भी लगेगा वो हम बनाते चले जाएंगे, जहाँ पे जैसे जैसे लगेगा कि हमें कहाँ पे जगह खाली है, कहाँ पे भरी है, तो उसी हिसाब से हमें डिज़ाइन करना है फ्रेंड्स। तो अभी मैंने रोज़ फ्लावर बना लिया था, अब मैं लीफ ड्रॉ कर रही हूँ जल्दी जल्दी। और यहाँ पे देखिए, लगभग हमारी लीफ पूरी हो चुकी है, अब इसमें डालेंगे बहुत छोटी छोटी सी पतली वाली लीफ, ऐसे ऐसे हम जो पतले डिज़ाइन डालते हैं, छोटे घने डिज़ाइन डालते हैं, उससे हमारी डिज़ाइन क्या है थोड़ी हैवी हो जाती है और भरी भरी सी दिखती है, वो अच्छी भी दिखती है। तो पूरी पेंटिंग आप ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, इस पार्ट, इस वाली पेंटिंग का दो पार्ट रहेगा, जैसे कि मैं आज एक रोज़ करके दिखाऊँगी, कल एक रोज़, फिर दूसरे दिन एक रोज़ करके दिखाऊँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, सारी वीडियोस देखें हमारी, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, इसके लिए हमें दो पार्ट में इसे बांटना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारी कली का पार्ट हमने बना लिया है, लीफ का पार्ट बना लिया है, वो इसलिए कि जब भी मैं वीडियो पुश करती हूँ कलर वगैरह खोलने के लिए तो भूल जाती हूँ, इसके लिए हमारी थोड़ी थोड़ी कभी कभी वीडियो बन जाती है और हम आपको दिखा नहीं पाते। तो कोई बात नहीं, आगे की जो लीफ वगैरह मैं बनाऊंगी आपको सब दिखा रही हूँ, आप देखिए उसको ध्यान से, और सीखना चाहते हैं तो सीख भी सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने लाइट ग्रीन लगाया है और उसके बाद डार्क ब्लू शेड लगाया है, और उसके बाद जहाँ पे ग्रीन शेड रहेगा वहाँ पर वाइट शेड डालना है थोड़ा थोड़ा करके लीफ में। देखिए, एक साइड ब्लू और एक साइड वाइट इस तरह से हम डालेंगे। और कलर का है, आप लोग पूछते रहते हैं कौन सा कलर है, तो ये कैमल फैब्रिका एक्रेलिक कलर है। और ये जो ब्रश है हमारा, चार नंबर का राउंड ब्रश है, जिसे पेंसिल ब्रश, पेन ब्रश सब बोलते हैं। मैं हमेशा फ्लैट ब्रश यूज़ करती हूँ, लेकिन इस पेंटिंग के लिए मैंने यहाँ पे राउंड ब्रश का यूज़ किया है। तो लीफ में जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले मैंने लाइट ग्रीन लगाया, उसके बाद उसी में ब्लू शेड दिया ग्रीन में, और जिस तरफ ग्रीन बचा था हमारा उसमें वाइट शेड मिक्स करके दे दिया है, और फिर ब्लू के जहाँ पे हमने ब्लू शेड दिया था उसके साइड में हमने वाइट फिर लगाया फिर से, और उसके बाद ग्रीन, फिर ब्लू, ब्लू के बाद फिर हम ग्रीन लगा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, वाइट कलर
कलर को अच्छे से ब्लेंड करेंगे फ्रेंड्स, ये आपको याद रहे, क्योंकि हम जितना अच्छा कलर को ब्लेंड करेंगे हमारी लीफ की पेंटिंग की जो फिनिशिंग उसकी खूबसूरती जो है उतनी ही अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी लीफ जो है तैयार हो चुकी है। अब एक दो लीफ हम आपको और बना के दिखाते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए कि कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स आप सब पूरी वीडियोस नहीं देखते हैं, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो पूरी वीडियोस देखा करें और ध्यान से देखें ताकि आपको समझने में और पेंटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, और जो भी मैं बताई रहती हूँ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं बताने के बावजूद भी कमेंट करते रहते हैं ऐसा क्या है कैसा क्या है, तो वीडियो को पूरा देखें आपको खुद ही सारी जानकारी मिलेगी। देखिए पहले हमने लाइट ग्रीन लगाया, वाइट शेड दे दिया, फिर उसके बाद किनारे पे हमने ब्लू शेड डाल दिया, फिर यहाँ वाइट के साथ हमने लाइट ग्रीन डाला, फिर अब यहाँ पे देखिए वाइट कलर लेके थोड़ा इसको और हाईलाइट करेंगे, और फिर इसके बाद कलर हमारा कैप में ख़त्म हो गया था तो मैंने फिर से लिया और यहाँ पे देखिए ग्रीन डालेंगे, अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे उसके साइड में यहाँ पे ग्रीन को लेके यहाँ पे ब्लू जो है वो शेड डालेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से कलर पे आप चलाएं ब्रश को ब्लेंड कर लेंगे। कलर को जितनी दफ़ा आप कलर पे रख के चलाएंगे तो वो कलर एक दूसरे में जो है अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो यहाँ पे आप हमारी लीफ को देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी और अच्छी सी दिख रही है। तीन शेड में ये लीफ तैयार हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ये शेड नहीं बना पाते हैं, तो बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उनको भी आ जाएगा। उनका क्या ऐसा रहता है, अब हमारी जैसे लीफ एक दूसरे का कलर एक दूसरे में अच्छे से ब्लेंड हो गया, उनका क्या है वो कलर अलग अलग लगाते हैं, उनका कलर जो है एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है, ब्लेंड करते टाइम वो अच्छे से मिक्स नहीं कर पाते हैं, बस उनके में यही कमी रह जाती है। तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका जो है बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट पेंटिंग आ जाएगी जो आप देख के बनाना चाह रहे हो। यहाँ पे देखिए यहाँ छोटी लीफ हमने डाली है थोड़ी थोड़ी करके कहीं कहीं, तो उसको पहले हम ग्रीन कलर से बना लेंगे, उसके बाद एक साइड इस तरह से ब्लू शेड को डालेंगे और इसको भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे, जैसे हम वाइट ब्लू ग्रीन को मिक्स कर रहे हैं इसी तरह से इसको भी मिक्स करेंगे ताकि इसका शेड जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, कलर में एक दूसरे में अच्छे से ब्लेंड हो जाए ताकि इसका शेड अच्छा लगे। और उसके साइड में इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमें वाइट लगाना है, क्योंकि जब हम वाइट लगाते हैं तो हमारा जो ग्रीन शेड है वो काफ़ी अच्छा लुक आता है उसमें, और वो थोड़ा उठ के दिखता है। देखिए यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस तरह से बीच में लीफ में पार्टीशन डाल दें, उसके बाद दो पार्ट में लीफ को जब बांट लेंगे यार तो भी आपको कलर फिल करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि हमें समझ में आता है कि कलर को हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे ला के ख़त्म करें, इस तरह से आपको पेंटिंग करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने कलर का शेड दे दिया है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू शेड लेंगे। देखिए हमने कलर लिया ज़्यादा था तो हमने कपड़े में साफ़ कर लिया है, तो इस तरह से अगर आप ज़्यादा कलर आपके ब्रश में आ जाता है तो अपने पास टिश्यू पेपर या फिर कपड़ा जो भी आप रखते हैं साफ़ करने के लिए उसमें थोड़ा सा ब्रश को साफ़ कर लें, उसके बाद शेड करें, नहीं तो आपका कलर जो है ज़्यादा हो जाएगा तो भी आपकी लीफ जो बनाते हैं आप जो भी डिज़ाइन बनाते हैं वो उसमें जो है फिनिशिंग नहीं आएगी, वो भद्दे दिखेंगे डिज़ाइन। तो आप देख सकते हैं हमारी लीफ ही इतनी प्यारी लग रही है, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको आगे की वीडियो भी पसंद आएगी, फ्लावर वगैरह भी पसंद आएंगे, तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन हैं। अगर आप इसे अपने बेडशीट पे इस तरह से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, थोड़ी मेहनत तो है लेकिन क्या है ये काफ़ी अच्छे डिज़ाइन पेंटिंग अच्छे हैं। आप अगर इसमें रेड वगैरह शेड फ्लावर में डाल के बनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम कलर कुछ भी लगा सकते हैं, मैंने तो सिर्फ आपको बताने के लिए अपने हिसाब से कलर लगाया है। अगर आपकी चॉइस दूसरे कलर की है तो आप दूसरा कलर भी चूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताती हूँ वही कलर आप लगाएं, आप अलग शेड्स भी देख सकते हैं, डार्क शेड लाइट तीन कलर में हमारा शेड बनता है लीफ का, और तीन ही कलर में हम रोज़ फ्लावर भी बना सकते हैं।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कली में कलर डाल रही हूँ जो कि रेड कलर है। अब उसके साइड में मैं पर्पल शेड डाल रही हूँ और उसके साइड में यहाँ पे वाइट शेड डाल रही हूँ और इसकी अच्छे से फिनिशिंग दूंगी इसे ब्लेंड करते हुए। देखिए फिर भी हमारा कलर जो है ग्रीन शेड पे आ गया है, उस पर ग्रीन शेड पे फैल गया है, तो इसको हम फिर से अच्छे से साफ़ कर देते हैं। उस पर क्या करेंगे, उसको सूखने के बाद ग्रीन शेड फिर से लगा देंगे तो हमारा वो जो रेड कलर था वो छिप जाएगा। और ऊपर से देखिए हमने पर्पल लगाया है और उसके बाद रेड शेड, फिर उसके बाद हम वाइट शेड लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से। अभी भी हमने 4 नंबर का पेन ब्रश लिया है, 5 नंबर भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 4 ही नंबर हो, 5 नंबर 4 नंबर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, तो आप 4 नंबर भी यूज़ कर सकते हो, 5 नंबर भी यूज़ कर सकते हो। अब बारी है एक एक पंखुड़ी बनाने की, जो कि हम रोज़ फ्लावर बनाने जा रहे हैं, तो आप उसका भी शेड देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा है। रेड शेड लगाने के बाद यहाँ पे देखिए हम पर्पल शेड लगा रहे हैं और ऊपर जो हमारी पंखुड़ी फोल्ड हुई है, पिटल जो फोल्ड हुई है उसको छोड़ते हुए हम ये शेड देंगे और लास्ट में हम फोल्ड की जो फोल्ड हुई है पंखुड़ी उसको बनाएंगे। तो देखिए हमने रेड पर्पल वाइट फिर से रेड वाइट इस तरह से लगा के ये शेड को बनाना है। और यहाँ पे देखिए हमारी पंखुड़ी जो है पूरी हो चुकी है और इसी तरह से हम एक एक पंखुड़ी बनाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए आपको बराबर समझ में आ जाएगी किस तरह से बनाना है। और ऊपर से यहाँ से वाइट कलर लगाएंगे, वाइट कलर जो भी सेप रहेगा हमारा उसको हम दे लेंगे पहले जो फोल्ड हुई है पंखुड़ी, उसके बाद एकदम आखिरी हिस्से में यानी कि ऊपर हिस्से में हम थोड़ा सा रेड डाल देंगे। आपके हिसाब से पर्पल भी डाल सकते हो, यहाँ पे हमने पर्पल लगाया है रेड लगाया है, तो आप पर्पल भी डाल सकते हो और रेड भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी वो पंखुड़ी पूरी हो चुकी है। अब हम ये दूसरी पंखुड़ी बना रहे हैं जो कि थोड़ी सी दिख रही है हमारी, उसको बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने पहले पर्पल शेड डाला, उसके बाद ये रेड शेड डाल रही हूँ और उसके बाद वाइट कलर डालूँगी। थोड़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने फ्लावर को थोड़ा दबा के बनाया है दूसरे फ्लावर से, तो जो थोड़ी थोड़ी पंखुड़ी दिखती है उसको करने में काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि बहुत उसको संभाल के उसकी फिनिशिंग देनी पड़ती है। नहीं तो क्या है, हमारा फ्लावर जो अच्छा नहीं दिखेगा, कलर भी हमारा शेड भी ख़राब हो सकता है, तो इसके लिए बहुत संभाल के हमें उसमें शेड देने होते हैं, क्योंकि ये आधा फ्लावर दिख रहा है, हाफ फ्लावर जो है फर्स्ट फ्लावर के नीचे है, इसके लिए हमें थोड़ा संभाल के यहाँ पर पेंटिंग करनी है। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए और देखिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो को। आप सब देखेंगे लाइक करेंगे, इसीलिए तो वीडियोस बनाते हैं, नहीं तो फिर हमें वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है। तो आप भी हमारे वीडियो को लाइक करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी और हमें हेल्प भी मिल जाएगी। तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखें, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप हमारे यहाँ अगर आपको पेंटिंग नहीं आती है तो ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं, आपको पेंटिंग सीखने को मिल जाएगी, आपको पेंटिंग आ जाएगी। अगर आप थोड़ी बहुत करते हैं तो आप फिनिशिंग भी ले सकते हैं, हमारे यहाँ आपके हाथ में फिनिशिंग आ जाएगी। क्या कमी है मैं आपको सब बता सकती हूँ कि आपके अंदर क्या कमी है, आप क्या करोगे कि आपकी जो पेंटिंग है उसमें आप फिनिशिंग ला पाओ, तो आप उसके लिए हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी पंखुड़ियाँ हैं, तकरीबन 3 से 4 इंच तक हमारा जो है फ्लावर है, पहला फ्लावर 4 इंच में बना है और ये दूसरा फ्लावर 3 इंच में बना है, उससे छोटा है, तो आप देख सकते हैं। और इस पंखुड़ियाँ जो हमारी छोटी छोटी होती है, इसके लिए इसे हमें बहुत संभाल के बनाना पड़ रहा है, नहीं तो क्या है हमारा कलर जो है इधर उधर चला जाएगा, तो हमारे फ्लावर जो हमारी पेंटिंग है उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। इसके लिए आप भी जब भी बनाएं उसको अच्छे से बनाएं। लीफ भी आपको बता दिया है और जो रोज़ फ्लावर है उसकी पंखुड़ी भी आपको करके दिखा दी है, और आगे की भी पंखुड़ी आप देख सकते हैं, मैंने टोटल चीज़ें बना के दिखाई है, लीफ पंखुड़ी फ्लावर की सब चीज़ कली सारी चीज़ें मैंने ये करके दिखाई है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है, थोड़ी सी आप अपने जहन को उधर लगाएंगे
कि किस तरह से करना है, मैं क्या चीज़ कहाँ पे क्या कर रही हूँ, कहाँ पे कौन सा कलर डाल रही हूँ, ये सब चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत जल्द पेंटिंग सीख जाएंगे। बहुत मुश्किल नहीं होता है पेंटिंग करना फ्रेंड्स, आप सब भी कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत हैरत से पूछते हैं कि मैम क्या हम लोग कर पाएंगे, कैसे होगा, तो उनके लिए मैं कहती हूँ कुछ काम मुश्किल नहीं होता है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कर लीजिए इंशाल्लाह। अब भी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ पेंटिंग करने में, इंशाल्लाह आप मुझसे भी अच्छी बना सकते हैं। और सबका अपना अपना जहन होता है, क्या पता आपका जहन मुझसे भी अच्छा हो और आपके समझ में मुझसे भी अच्छा है, तो प्लीज़ उदास मत होइए आप लोग। और अगर सीखना चाहते हैं तो थोड़ा ध्यान दे के, अपना थोड़े बहुत टाइम निकाल के, वीडियोस देख के उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर आ जाएगा। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, हर काम आसान होता है, अगर आप करना चाहेंगे तो कर लेंगे, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं यही बार बार कहूँगी कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे किस तरह से बनेगा, तो आपको सब चीज़ आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो मैंने बताया है अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, और क्या पता आ भी गया हो। अगर आपने हमारी वीडियो को देखा और समझने की कोशिश की तो आ भी गया होगा, कोई वो नहीं है। और तो ध्यान से देखिए, अगर आपको आ जाता है बनाने तो मुझे भी बताइए कमेंट करके। बाकी की वीडियो आप देखिएगा, कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा अगर आपको सीखना है तो। तो आज मैंने सिर्फ एक ही फ्लावर करके दिखाया, एक फ्लावर की वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में डालूँगी ताकि आप इजी तरीके से सीख पाए। अगर आप एक साथ सारी चीज़ें देख लेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो अलग अलग वीडियो का पार्ट रहता है तो छोटा भी रहता है, और वैसे बड़ी हो जाएगी तो भी आपका देखने का दिल नहीं करेगा, आप देखते देखते जो है उब जाएंगे, तो इस वजह से मैंने छोटे पार्ट में बनाई है वीडियो, दो पार्ट में मैंने मतलब इसको बांट दिया है। और इसमें मैंने लीफ और एक रोज़ बना के दिखाया है, और दूसरे वाले में भी मैं रोज़ बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग लगभग हमारा फ्लावर जो है वो पूरा होने वाला है, और बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा बना है। इसमें आप अपने हिसाब से भी कलर डाल सकते हैं, जैसे आपकी जो चॉइस हो, आपको जो कलर पसंद हो वो कलर भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको ये कलर पसंद है तो आप ये भी डाल सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी पसंद से कोई भी कलर आप लगा सकते हैं। तो आज ये हमारी पेंटिंग देख सकते हैं फ्रेंड्स, लीफ कितनी खूबसूरत लग रही है, और ये रोज़ फ्लावर भी कितना प्यारा सा लग रहा है, बिल्कुल अलग शेड दिख रहा है। तो आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और मेरे जैसा सीख जाएँ, तो वीडियो को इसके लिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जिनके अंदर ये पेंटिंग करने की चाहत हो, इंशाल्लाह ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे और वो इंशाल्लाह ज़रूर बना पाएंगे। काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि छोटी छोटी पंखुड़ियाँ होती हैं तो उन्हें संभालना भी पड़ता है, कलर हमारा इधर उधर ना चला जाए, इसकी वजह से इसमें टाइम ज़्यादा लगता है इस शेड में। तो उसके लिए आप परेशान ना हो, आप भी बना लेंगे अच्छे से। ये हमारा फ्लावर जो है कंप्लीट हो चुका फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।